आज मैं पहला ब्लॉग शूट करने जा रहा हूँ, तो आज मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ। और एक और चीज है, वो भी आप देखेंगे वीडियो के अंदर, पूरी वीडियो देखना। ये मेरा पहला ब्लॉग है, मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है ब्लॉगिंग में, बट हाँ मैंने ट्राई किया है। मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में। तो जैसा कि आप देख रहे हो, अभी हम लोग घूमने आए हैं टी बाग के अंदर, यानी टी गार्डन के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ कि तो आप देख सकते हो कि कितने बड़े एरिया में जो है फैला हुआ है ये टी गार्डन। जहाँ तक नजर जा रही है सब कुछ चाय पत्ती दिखाई दे रही है। अभी मैं आपको और अंदर की तरफ लेके चलता हूँ, जहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको टी पेड़ी दिखाई देंगे। ये वो मेरी पूरी फैमिली, वहाँ पे उनकी फोटोग्राफी चल रही है। बाकी मैं आपको इधर और दिखाता हूँ, जहाँ तक आपकी नज़र आ रही है सब कुछ क्या है, चाय पत्ती। तो अब हम चलेंगे एक भयंकर नदी, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कहाँ पे क्या है, कैसे है। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, ये इन्जॉय किया होगा मेरे साथ। पूरी चारों तरफ को हरियाली, ये थोड़ा है इधर, बाकी तो इधर हरियाली है पूरा। अभी मैं चलते चलते सोच रहा था कि ये नाली किस लिए यूज़ होती है। तो अभी जैसा कि मेरे पापा ने बताया कि ये यहाँ से पानी जब ज़्यादा भर जाता है तो उसे निकालने के लिए ये यूज़ की जाती है। काफ़ी गहरी नाली है। ये रहे मेरे पापा जी। अभी हम चल रहे हैं आगे और थोड़ा सा देखने के लिए क्या है। अभी मैं आपको नेक्स्ट ये दिखाऊँगा कि ये चाय बनती कहाँ है। पापा चलेंगे ना हम लोग देखने के लिए, कल चलेंगे वहाँ पर, है ना। चलो फिर ठीक है, अच्छा, ताकि पानी हो है जो निकल जाए। अभी किस लिए ये यहाँ पे पानी निकालने के लिए, जब ज़्यादा पानी हो है तो इधर भर जाता है, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट में ही यहाँ पानी प्रोवाइड किया जाता है चाय के पेड़ों को। चलो फिर चलते हैं। अभी मेरे पापा बताएंगे कि यहाँ पे एक पीले कलर का पेड़ है जो काफ़ी आगे है पत्ती, मतलब पापा को भी पता है उसके बारे में क्यों लगाते हैं, बताओ पापा। ये जो पीले कलर का पेड़ है इस पे जो ये लगाया हुआ है, पीले कलर का जो कवर है, जो इसको देख करके जो है मक्खी अट्रैक्शन करती हैं, और जो है ये पत्ती को जो है खाने की बजाय उस पर अट्रैक्शन करके उस पर दबा लगा दिया जाता है, और वो ताकि जो सारी मक्खी है वो मक्खी मर जाए, उस जाके पेड़ पे आगे लगे और यहाँ इधर नुकसान ना पहुँचाए चाय के पेड़ों को। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ है वो पेड़। आपको दिख रहा होगा सामने जो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, वो जो जहाँ पे मेरी उंगली है, मेरी उंगली। तो मैं आपको बताऊं कि जो चाय पत्ती है वो किन की बनती है। जो आपको ये ग्रीन ग्रीन प्लांट दिख रहे हैं, ये जो ज़्यादा ही सॉफ्ट सॉफ्ट हैं, ये जो ज़्यादा ग्रीन है, इन्हें तोड़ लिया जाता है। फिर यहाँ थोड़ी दूर फैक्ट्री है, उसमें भी लेके जाएंगे आपको, वहाँ दिखाएंगे कि ये कैसे बनती है चाय पत्ती जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं। बाकी मैं अभी आपको वो पीला वाला कपड़ा दिखाऊँगा कि जिससे क्या होता है, कैसे इन्हें बांध के रखते हैं ताकि जो मक्खियाँ हैं और जो ना लगें यहाँ पर आके चाय पत्ती को ना नुकसान पहुँचाएँ, वो भी एक तरीका है। कभी लाइफ में सोचा नहीं था यहाँ पे भी आके ये सब देखेंगे। चलो अभी हम वापस घर जा रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद हम कहीं और भी चलेंगे, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा कि आज हमने देखा, और आपने भी मेरे साथ खूब इंजॉय किया होगा। संभल के दिखाई दे रहा है आपको, हम लोग यहाँ इंटरव्यू में बाइक चला रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं आपको दिखाने के लिए कि वो जो पीले कलर का कपड़ा है उसको कैसे बांध के रखते हैं। घुस रहा हूँ इस नाली के अंदर, तो अभी देख रहे हो लगभग मैं इसके बराबर में आ चुका हूँ, इतनी गहरी नाली है ये।
ये इधर, ये देखो, ये मैं आपको फ्रंट कैमरा लगभग मेरे ये कहाँ पे बैठ रही है, तो आप सोच सकते हो कितनी अमाउंट में यहाँ पे बरसात होती है। और बेसिकली आसाम में बरसात बहुत ज़्यादा होती है, जिसके करके इतनी बड़ी बड़ी नालियाँ। वैसे मुझे डर भी लग रहा है, मैं अकेला आया हूँ इधर। बाकी देखते आगे चलते हैं। ये देखो जड़ कैसे निकल रही हैं चाय पत्तियों की, पेड़ों की, साइड में आपको दिखाई दे रही होंगी। अभी मैं आपको ले जा रहा हूँ बेसिकली वो कपड़ा दिखाने के लिए, कैसे वहाँ पे उन्होंने लगाया हुआ है। कितनी दूर आ चुका हूँ मैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, औसम, मतलब गजब ही लग रहा है एकदम, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था मैं ये भी देखूँगा कि चाय कैसे प्रोड्यूस होती है। वो मैं आपको दिखाऊँगा अगर हम लोग कल गए तो फैक्ट्री में जहाँ पे ये मैन्युफैक्चर होती है। अभी हम लोग पहुँच चुके उस पीले कपड़े के पास, तो अभी मुझे इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ये मैं चढ़ा इसके ऊपर, ये मैं दिखाता हूँ आपको कैसे पेड़ों से पीले कपड़े बंधे हुए हैं। आई थिंक वो पॉलिथीन है, लेके चलता हूँ उसके पास फिर आपको दिखाता हूँ। ये जो ज़्यादा ग्रीन ग्रीन पेड़ पत्ते दिखाई दे रहे हैं ना आपको, एक तो डार्क ग्रीन है, एक थोड़ा लाइट ग्रीन है। जो लाइट ग्रीन है उससे चाय पत्ती प्रोड्यूस की जाती है। तो जैसा आपको ये पॉलीथीन दिखाई दे रही है पेड़ से लगी हुई, इन्हीं से क्या होता है उन मक्खियों को रोका जाता है जो चाय पे आगे लगती हैं। सामने आपको पेड़ पे दिखाई दे रही होगी पूरी अच्छी तरह से, इस पर एक तरह का लिक्विड मिलाया जाता है जैसा कि अभी मेरे पापा ने बताया, कि ताकि मक्खियाँ उस पर लग के और खा के ख़त्म हो जाए। बैठने के बाद तो लगभग मैं बुरी तरह से डूब चुका हूँ जो नाली है इसके अंदर, और खड़े होने के बाद ये मेरी चेस्ट तक आ रही है लगभग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फाइनली फैक्ट्री में। हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि आज ही हम जा रहे हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है उसे देखने के लिए। मिलता हूँ आपसे वहाँ पे। के अंदर हम अभी आए, उसका नाम बेसिकली क्या है, सहसा फैक्ट्री। देखेंगे कि इस फैक्ट्री के अंदर क्या क्या है। ये भी हम अंदर जा रहे हैं। नो फेस मास्क, नो एंट्री। तो भैया फेस मास्क लगा लेते हैं जब एंट्री करते हैं। ये हम आ चुके हैं टी फैक्ट्री के अंदर। आई थिंक यहाँ पे भी प्रोडक्शन जो है बंद पड़ा है, लग तो मुझे ऐसा ही रहा है। बंद है क्या पापा यहाँ पे प्रोडक्शन जो है? बंद ही लग रहा, कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये यहाँ पे सारी गंदगी डाली जाती है जो टी में से निकलती है। ये सामने जो दिखाई दे रही है आपको मशीनरी है, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, डू नॉट एंटर। तो शायद हम यहाँ से आगे ना जा पाए। क्या चले आएंगे पापा आगे? ऐसा ही लग रहा है, कोई है ही नहीं। अच्छा अच्छा, ये मशीनरी के लिए यहाँ पे पूरा मशीनरी एरिया है। गाइज हमारा आज का दिन बड़ा ही ख़राब है भैया, जैसा कि बोल रहे हैं आज बंद है फैक्ट्री और संडे मंडे बंद रहती है। देखते हैं अगर हम नॉर्मल डेज में आएंगे तब आपको दिखाते हैं कैसे होता है। बाकी आप देख ही लो कैसा है यहाँ पे। ये बेसिकली इसलिए बंद है आज संडे और कल 31 जैन है। बाकी आएंगे वेनसडे जब आपको दिखाएंगे, भैया ने बोल दिया है कि आप आके देख सकते हो वेनसडे को। अच्छा ये अच्छा अच्छा, अभी हम जा रहे हैं ऊपर, प्रोडक्शन तो बंद है बट अंदर आपको जाके दिखाते हैं।
ये देखो भाई ये वाला इनमें थैला आएगा, इनमें एक चाय पत्ती डालेंगे। अच्छा इनमें ये हुक है ना, हुक इनमें टंग टक करके थैला आएगा ये। अच्छा अच्छा, ये थैला ऐसे चलता रहेगा, इनमें डालते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या वर्कर होते हैं इनमें खिलाने के लिए, अपने आप मशीन से ही चले जाते हैं इसमें डायरेक्ट? अच्छा अच्छा, यहाँ से निकल के काम लोड करता है। अच्छा अच्छा, मतलब वर्कर्स होते हैं करने के लिए लोड? काटने वाला वही। अच्छा अच्छा, उस तरफ में होने से वो हम लोग का रॉन्ग ट्रैप में जाता है। अच्छा अच्छा, गोगी में, गोगी से जब जब सैंपल निकलता है रॉन्ग ट्रैप जाके वो सालनी में जाता है, सीआई पेन में। अच्छा, वो मशीन तो सीटीसी है, वो सीटीसी का है। सबसे फर्स्ट में तो मैंने देखा एक दिन आया था, तो इनमें डाला था सबसे फर्स्ट। तो आज आपने देख लिया मेरे साथ की टी फैक्ट्री कैसी है। अब ये बंद है, बाकी आएंगे वेनेसडे को तब आपको दिखाएंगे अगर खुला हो तो। ये क्या है यहाँ पे? ये क्या है, ये चीज किस चीज के लिए? पाथ इसमें। अच्छा अच्छा, अब बोल देखा करता है इसमें, पेन है इसमें। हाँ हाँ, जब बगान से पत्ती आता है इसमें डालता है। अच्छा अच्छा, इसमें डाल के उसका पेन चलाने से। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, चलो। अच्छा, जैसे भैया ने अभी बताया कि ये बंद किस लिए, क्योंकि ऑफ सीज़न चल रहा है, अभी इसका सीज़न नहीं है टी का प्रोड्यूस करने का। ये जो समर्स के बाद सीज़न आता है बारिश का, उस सीज़न में हर दिन खुलती है, संडे हो चाहे सैटरडे हो चाहे मंडे हो, जो भी हो। ठीक है भैया, बाय, हाय कर दो एक बार। चलो, थैंक यू भैया। हाँ ओके ओके, बाय भैया। अभी हम जा रहे हैं वापस सहसा फैक्ट्री से। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा कि हमने कैसे पहले टी गार्डन देखा, उसके बाद अभी फैक्ट्री के अंदर गए। हमें पता नहीं था कि आज फैक्ट्री बंद है संडे को, क्योंकि जैसा अभी भैया ने बताया ऑफ सीज़न चल रहा है तो संडे को बंद रहती है, लेकिन जब सीज़न होता है टी का तो संडे को भी ओपन रहती है। चलो, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय बाय। होप आपने एंजॉय किया होगा खूब मेरे साथ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको जो मेरा वीडियो वो पसंद आया होगा और आपने फुल एंजॉय किया होगा। अब इस चैनल के ऊपर अभी तक तो फिटनेस रिलेटेड वीडियो आ रही थी, वो भी आएंगी, लेकिन साथ में ब्लॉगिंग भी आएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत मस्त चीज आने वाली है, मतलब मस्त ब्लॉग आने वाला है, 2-3 दिन के अंदर ही आ जाएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबाएं, नहीं भी अच्छी लगी है तो डिसलाइक का बटन दबाएं, और अपने दोस्तों में शेयर करें अगर आपको पसंद आई है तो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।